इंसान है ये। सांझ जो फिल्म का नाम है, रिश्तों की सांझ हिंदी में है, हिमाचली में सांझ है। सांझ जो है कहानी है शाम की, शाम यानी वो टाइम जो अंधेरे से पहले का है और उजाले के बाद का। सांझ, सांझ यानी जिंदगी की सांझ, रिश्तों की सांझ, हमारी संस्कृति की सांझ, हमारी भाषा की सांझ और उन सबसे बढ़कर ऊपर हमारे बुजुर्गों की ज़िंदगी की सांझ, जो एक ऐसे पड़ाव में ज़िंदगी की पहुंच चुके हैं जहां से आगे अंधेरा है, जहां से आगे उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और उस पड़ाव में वो एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो माइग्रेट होकर के शहरों में जा चुके हैं और गांव में रहने वाले जो अकेले बुजुर्ग हैं वो अपनी ज़िंदगी तन्हाई में अकेलेपन में बिता रहे हैं। उसी के ऊपर पूरी फिल्म है। ये जो कहानी है ये रियलिस्टिक कहानी मानेंगे, आपके इर्द गिर्द जिंदगी कोई कहानी है, आपकी पर्सनल कहानी है? नहीं, मेरी पर्सनल कहानी नहीं है, पर यह है कि इसके बहुत सारे पहलू ऐसे हैं। जब मेरे ट्रैवल के टाइम पे जब मैं बहुत सारी जगहों में गया, बहुत सारे लोगों से मिला, तो वहाँ पे जो बातें होती हैं, वहाँ पे जो मैंने महसूस किया, वहाँ पे जो मैंने देखा, वहाँ से हमने बहुत सारे पहलू जो है बहुत सारे इस फिल्म में जोड़े हैं। और बट हम ये नहीं बोलेंगे कि ये फिल्म जो है पूरी तरह से काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है, ये रियल जो लाइफ है लोगों की उस पर बेस्ड है, बट किसी एक पर्सन की रियल स्टोरी नहीं है, बट बहुत सारे छोटे छोटे जो पहलू हैं अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों के, उनको जोड़ करके हमने एक स्क्रिप्ट लिखी है, उस पर फिल्म बनाई है। अगर इसके पोस्टर को देखें हम तो ये प्रादेशिक फिल्म लगती है, हिंदी फिल्म नहीं लगती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये फिल्म जो है हिमाचली लैंग्वेज में शूट हुई है, ये पहली फिल्म है जो हिमाचल से आज आकर के थिएटर तक पहुंची है, सिनेमा हॉल तक पहुंची है। इन 100 सालों से ज़्यादा का इतिहास हिमाचल में सिनेमा का हो गया, लेकिन हिमाचल से एक भी फिल्म आज तक जो है सिनेमा हॉल तक नहीं पहुँच पाई। ये पहली फिल्म है, हमारी कोशिश एक्चुअली हिमाचल में एक अच्छा सिनेमा क्रिएट करने की थी, एक मीनिंगफुल सिनेमा क्रिएट करने की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये फिल्म धीरे धीरे जो है इतनी पसंद लोगों को आने लगेगी, फेस्टिवल्स में इतना अच्छा करने लगेगी और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पेशली इतनी पसंद आएगी कि उनको वो ये महसूस कर पाएंगे कि ये जो है ये कहानी पूरे देश से जुड़ती है और ये माइग्रेशन और ये बुजुर्गों का अकेलापन सिर्फ पहाड़ों का नहीं है, ये यूपी में भी है, ये बिहार में भी है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी है, ये साउथ इंडिया में भी है, ये मिडिल इंडिया में भी है। तो ये कहानी घर घर की है, गांव गांव की है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये कहानी हर जगह पहुंचनी चाहिए। हमारी जो महसूस हम जो करते हैं, हमारी फीलिंग्स है वो अलग है, डायरेक्टर्स की फीलिंग के साथ हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं चलते, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटर उस चीज़ को फील करने लगे तो हमारे लिए इससे ज़्यादा पॉजिटिव और क्या हो सकता है। सांझ के रिश्ते में मैं 16 साल की लड़की का रोल कर रही हूँ जिसका नाम संजू है। वो अपने पेरेंट्स के साथ चंडीगढ़ रहती है और बहुत ही हैप्पी मेरी फैमिली है, तो उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, उसके पापा जो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम उसको गांव में भेज देंगे अपनी दादी के पास, पर दादी के पास वो कभी रही नहीं है, इस वजह से उसकी बनती नहीं है और ऑलरेडी दादी के पास कोई एक अनाथ बच्चा रह रहा है जिसका नाम जोंगा है। तो जब वो चली जाती है गाँव में तो उसको बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, क्योंकि वो दादी से बनती नहीं है, तो दादी से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और जोंगे से बहुत लड़ाई होती है, जो कि लड़का उनके साथ रहता है। पर इस टाइम जो मैं होती हूँ, मैं गांव में जो अकेलेपन का शिकार होती हूँ और जो दादी होती है वो भी अकेलेपन का शिकार होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों का वेट करती है कि वो बच्चे हमसे, मेरे बच्चे जो है हमसे मिलने आए। तो हम दोनों का अकेलापन और दादी और मेरा अकेलापन, जब हम एक दूसरे को पाते हैं और हम एक दूसरे का अकेलापन शेयर करते हैं, तो हमारे बीच बहुत गहरी रिश्ता जो है वो बन जाता है। तो स्टोरी जो है इसी बीच के अराउंड है। नाम है रिश्तों के सांझ, तो इसका नाम रिश्तों के सुबह नहीं होना चाहिए। एक्चुअली सांझ का मतलब है इवनिंग, शाम। हाँ, तो जैसे जैसे शाम बढ़ती जाती है वैसे उन बूढ़े जो अकेले गांव में माँ बाप है उनका अकेलापन बढ़ता जाता है, वो अपने बच्चों को और ज्यादा याद करने लग पड़ते हैं कि कब हमारे बच्चे हमसे मिलने हैं। आपकी नजर में, क्योंकि आपने अभी नहीं किया, हाई पॉइंट क्या है? सॉरी, हाई पॉइंट क्या है? वही समझा रही हूँ कि ये जो मूवी है ये 3 वर्ड्स के ऊपर बेस है, माइग्रेशन, सेपरेशन, सॉलिट्यूड। माइग्रेशन जो है, माइग्रेशन हो रहा है हम यंग जनरेशन्स का पहाड़ों से मेट्रो सिटीज़ की तरफ, और सेपरेशन हो रहा है बच्चों का अपने माँ बाप से, और सॉलिट्यूड जो है अकेले उन बूढ़े माँ बाप का। तो हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अकेले गांव में बैठे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए ये सांझ है शाम। बहुत अच्छा, आपकी एक समस्या बहुत अच्छी उठाई, इसका कुछ समाधान भी बताया गया। वही बात है कि हिमाचल में जैसे भी हम सिनेमा की बात कर रहे हैं तो वो इतना डेवलप नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो अगर पहाड़ी सिनेमा आता है तो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, जिससे बहुत लोग अपने घर में रह सकते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
और इस फिल्म के साथ जुड़ने का पहला मेरा वजह ये थी, अजय ने मुझे फेसबुक पे एक मैसेज भेजा था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया था, मुझे लगा कुछ कोई टाइम पास कर रहा है फेसबुक पे। तो फिर उन्होंने मुझे भेजी थी, पहली बात मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, दूसरी बात मुझे उनका जो पैशन था, जो डिवोशन था सिनेमा को लेके, वो बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा जो लोग एक अच्छी कहानी बताना चाहते हैं, लोगों को सिनेमा में अच्छा काम करना चाहते हैं, तो एज एन एक्टर, चाहे मैं इसमें छोटा ही रोल कर रही हूँ, अगली फिल्म में मैं लीड प्ले कर रही हूँ, तो मुझे लगा एज एन एक्टर मुझे एक अच्छे कलाकार की तरह एक अच्छे सिनेमा का हिस्सा होना है, यही मेरे लिए ज़रूरी। माँ के भूमा रोल की जो ये है वो एक लिंक है कि शुरू की कहानी में कुछ ऐसा अचानक से इंसिडेंट हो जाता है जिससे इनके पिता ये फैसला लेते हैं कि हम अपनी बेटी को चंडीगढ़ में ना रख के हिमाचल में दादी के पास छोड़ आएंगे। तो कैसे एक माँ जो इतनी अटैच्ड होती है अपने बच्चों से, अपनी बेटी को लेके, तो उसके लिए बहुत परेशानी की, दुख की बात है कि अचानक उसकी बेटी दूर चली जाएगी, क्योंकि उसके लिए उसका पूरा जीवन उसकी बेटी ही है, उसकी पूरी लाइफ बच्चे के पास ही घूमती है, और उसे पता है कि एक बच्ची जो पैदा होने से लेके 16 साल की उम्र तक शहर में बड़ी हुई है, उसके लिए अचानक से गाँव में जाके रहना बहुत ही मुश्किल होगा, एक असंभव सी बात है। तो वो बहुत परेशान है, दुखी है, पर उनके जो पति हैं वो बहुत डोमिनेटिंग हैं, तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती हैं और अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस महसूस करती हैं। मेरी शुरुआत मैंने कुछ बाहर की सिनेमा से की थी, जर्मन फिल्म की थी राजू, जिसको ऑस्कर अकेडमी अवार्ड मिला है, अभी एक ब्रिटिश फिल्म की है जो आएगी, उनको बाफ्ता मिला है, ब्रिटिश फिल्म अकेडमी अवार्ड, आंखों देखी की है रजत कपूर के साथ, अभी एक फिल्म के शूट से ही आ रही हूँ, वापस निकल रही हूँ उसके लिए, खेल खेल में है जिसमें मैं कॉमेडी रोल कर रही हूँ, एक और फिल्म है रूपाली वर्मा की, उनमें मैं इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रही हूँ, एक कैरल की फिल्म है, वो कैनेडियन को प्रोडक्शन है, उसमें मैं लीड कर रही हूँ, बता नहीं सकती क्या किरदार है, पर बहुत ही इंटेंस और इंटरेस्टिंग फिल्म है। तो ऐसे लगे हुए हैं धीरे धीरे, अच्छे किरदार करने हैं और बस वही मकसद है मेरा। इस फिल्म में किरदार जोंगा का किरदार है, जो दादी के साथ गांव में रहता है और दादी उसकी देखभाल करती है, क्योंकि दादी गांव में अकेली रहती है, दादी के पास कोई भी नहीं, और वो बच्चा भी अनाथ है, उसके माँ बाप मर चुके हैं और दादी उसको पाल रही है और अपने पोते का नाम भी दे रही है उसको। इस रोल के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस हुई हमारी, वर्कशॉप्स हुई शूट से पहले, लगभग 15-20 दिन की प्रैक्टिस हुई हमारी, उसके बाद जब जाके शूट शुरू हुआ तब जाके शूट पर भी बहुत सारी रिहर्सल्स हुई, तब जाके शॉट्स लिए गए।